और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो उसको 22 तारीख के लिए, मतलब 22 मार्च 2019 के लिए ये मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया, उसका व्यू आप लोग को देता हूँ। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बाई अब आपका लेवल है, मतलब इधर से बाई होगा। टारगेट 1, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और टारगेट 4 ये डाने तरफ रहेगा, और टारगेट 5, टारगेट 6, टारगेट 7, टारगेट 8। आप इधर से स्टॉक का नेम नोट कर सकता है, और सेल लेवल में भी ऐसा है, सेल लेवल बीच में रहेगा, स्टार्टिंग लेवल बीच में रहेगा, और टारगेट 1 टू टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा, और टारगेट 5 टू टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। और कौन सा लेवल पे कौन सा है वो लोग भी, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट क्लोजिंग प्राइस कौन सा लेवल पे है। और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है, ये आप लोग देख लीजिए। इसी तरह स्टार्टिंग लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 टू टारगेट 4 बाएं तरफ रहेगा, और टारगेट 5 टू टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। सेल लेवल में भी ऐसा है। मैं आप लोग को ये पूरा फाइल जिसमें इक्विटी स्टॉक्स 200 एफएनओ स्टॉक्स, इक्विटी फ्यूचर्स 200 का एफएनओ स्टॉक, एफएनओ का स्टॉक्स का फ्यूचर, मैग्निफ्टी एंड क्रूड ऑयल सॉरी कमोडिटी, ये फाइल में आप लोग को मिल सकता है, एंड ऑफ द डे मिल सकता है, और लाइव मार्केट में अभी अपडेट मिल सकता है। तो मेरा एक आप लोग जो प्रॉफिट बनाएंगे उसमें से थोड़ा सा आप लोग को उसमें से मतलब परसेंटेज देना पड़ेगा, यही मेरा सर्विस है और कुछ नहीं। और इधर आप लोग पढ़ सकते हैं ये कैसे, मैंने जो बोला कैसे ट्रेड करना है वो इधर लिखा है, ये आप लोग नोट कर सकता है। और मैंने जो, और इससे अलावा मैंने मेरा जो स्ट्रैटेजी है उससे भी आप लोग को व्हाट्सएप में कॉल मिलेगा। मेरा सोच लीजिए इधर कैनरा बैंक है, मैंने इधर दिखाने का कोशिश किया, देखिए कैनरा बैंक का वन डे का चार्ट मेरा स्ट्रैटेजी में। तो इसमें से भी आप लोग को मेरा एनालिसिस से भी आप लोग को कॉल मिलेगा। तो आप लोग क्या है, प्रॉफिट करने के बाद ही फर्स्ट देना है, कोई चार्जेस नहीं है कि पहले इतना रुपीस देना पड़ेगा कि मंथली इतना रुपीस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लोग प्रॉफिट बनेगा तभी, तो लॉस में जाएगा तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, यही है। वो आप लोग पूरा फाइल अवेल कर सकता है जिसमें इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स निफ्टी बैंक निफ्टी सभी रहेगा, उसमें लाइव मार्केट में भी अपडेट होगा, मेरा एनालिसिस में भी आप लोग को व्हाट्सएप पर कॉल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।